हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस थर्ड वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए कुछ और लेकर आए हैं जिसके अंदर आपने उसको डिकोड कैसे करेंगे। अब बच्चों, एग्जामिनर जो है आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको देगा साइन 10 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। वो कहेगा इस प्रोडक्ट का आंसर निकालो बच्चों। तो साइन 30 तो आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं, 10, 50 और 70 इसके बारे में आप लोगों को नहीं मालूम कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना। तो आज बच्चों ये रिजल्ट आया कैसे, इस रिजल्ट के बारे में मैं बताऊंगा और तीनों रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और कैसे निकालते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं, और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो एप्लीकेशन बनती है कॉम्पिटिशन के अंदर उसके अंदर बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, वो भी इसके साथ मैच होगी और आपको बहुत अच्छा सा लगेगा। बच्चों क्वेश्चन है साइन थीटा साइन पाई बाई थ्री थीटा माइनस साइन पाई बाई थ्री प्लस थीटा। तो निहारिका, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, ठीक है, और मुझे इसको प्रूव करना है साइन थ्री थीटा बाई फोर के इक्वल प्रूव करना है। तो अब आप लोगों को मालूम है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। ये बात क्लियर है आप लोगों को, यानी बोलो ठीक है। अब बच्चों ये चीज़ हमें दी हुई है, राइट हैंड साइड हमें दी हुई है, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिख सकता हूँ या लिख सकता, ठीक है। तो जो यहाँ पर x है वो हमारा क्या है पाई बाई थ्री है और y जो है थीटा। तो ये बच्चों हमारा हो गया साइन थीटा साइन स्क्वेयर पाई बाई थ्री माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है, लिखा जा सकता है। और साइन 60 की वैल्यू आप लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है, और 60 की वैल्यू जो होती है रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर होती है, और साइंस का थीटा, और ये हमारा हो गया थ्री बाई फोर साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। इज इट क्लियर नॉट, ठीक है। और अब हमने क्या किया, और तो ये आपको मालूम है ये आइडेंटिटी किसकी है बच्चों, साइन थ्री थीटा बाई फोर की है। तो इस तरह आप इसको फटाफट जस्ट इन अ सेकंड क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। यदि आपको रिजल्ट निकालना आता है तो कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है, और अदरवाइज इसको आप याद भी रख सकते हैं। अब बच्चों आप लोगों के सामने ये था साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब इधर देखो बच्चों, इन तीनों टर्म्स का जो रिजल्ट है, थीटा की जगह बच्चों हमने क्या रख दिया, 10 डिग्री रख दिया। तो 10 डिग्री रखते ही ये आइडेंटिटी क्या बनगी, साइन 10 साइन 50 और जी क्या बन गई साइन 70, ठीक है। और जी किसके इक्वल होता है, साइन 3 इंटू 10 बाई 4। तो साइन 30 बाई 4 आ गया, और साइन 30 की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 4। लेकिन रिजल्ट में साइन 30 भी था, तो साइन 30 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन 10 साइन 50 साइन 70 इंटू साइन 30 डिग्री। तो 1 बाई 8, और साइन 30 की जो वैल्यू है वो आप लोगों को मालूम है किसके इक्वल होती है, 1 बाई 2 के इक्वल होती है। तो ये जो रिजल्ट है वो आपके पास क्या आ गया, 1 बाई 16 आ गया। तो बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है अच्छी तरह। इसी तरह सेकंड रिजल्ट भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बड़े इजीली निकाल सकते हैं। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, और इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, और कोस 20 डिग्री कोस आपका 40 डिग्री कोस 80 डिग्री और कोस 60 डिग्री। नीचे चार ऑप्शन दी होंगी, उनको आपने क्लिक करना है और इसी फार्मूले से आपने उसको डिकोड करना है, और फटाफट आंसर आपका निकल जाएगा। तो अब बच्चों यदि इस रिजल्ट को प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, इस रिजल्ट को प्रूफ, हाउ वी विल प्रूव इट, इस रिजल्ट को कैसे प्रूफ किया जा सकता है। पिछला रिजल्ट तो आपने प्रूफ किया बड़े आराम से, और यदि अब इस रिजल्ट को प्रूव करना हो तो हाउ वी कैन सॉल्व इट, बताओ कैसे सॉल्व हो सकता है। ये क्या बच्चों, कोस पाई बाई थ्री माइनस थीटा, ये क्या है कोस पाई बाई थ्री प्लस थीटा। आप लोगों को फार्मूले तो याद हैं, लेकिन श्योर शॉर्ट नहीं होगी आप वो ठीक है या गलत है, क्योंकि साइंस कर ए माइनस साइंस कर बी तो आपको मालूम होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, लेकिन कोस कर ए कोस कर बी के बारे में नहीं मालूम। तो वो फार्मूला सबसे पहले मैं आपको डेवलप करके बताता हूँ। ये देखो बच्चों, साइंस कर ए माइनस साइंस कर बी किसके इक्वल था आपका, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। अब इधर बच्चों यदि मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रख देता हूँ,
इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर बी रख देता हूँ तो रिजल्ट तो क्या रहेगा बच्चों, वही रहेगा। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो ये 1 से 1 चला गया और रिजल्ट जो है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए भी मतलब इसी के इक्विवेलेंट है। लेकिन ये कोई बात नहीं बन रही, लेकिन यहाँ तो हमें क्या चाहिए, कोस पाई बाई थ्री माइनस थीटा और कोस पाई बाई थ्री प्लस थीटा चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलते हैं आगे। कैसे सोचते हैं इसको देखते हैं। अब बच्चों हमारे पास ले देकर इसको ग्रीन पेन से कर देता हूं मैं, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं बच्चों, कोस पाई बाई थ्री कोस थीटा प्लस साइन पाई बाई थ्री साइन थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? और इधर माइनस साइन पाई बाई थ्री इंटू साइन थीटा आ गया, ये इसका आ गया और ये क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। और कोस पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, कोस सिक्सटी की वैल्यू 1/2, ये आ गया 1/2 कोस थीटा, ये क्या आ गया √3/2 साइन थीटा। और ये तो आपको नजर आ ही रहा है कि ये जो बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। अब बच्चों कोस थीटा ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया 1/4 कोस स्क्वायर थीटा 3/4 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ आ रही है आपको या नहीं? लेकिन वहां पर रिजल्ट क्या चाहिए, कोस थ्री थीटा में चाहिए। और आपको कोस थ्री थीटा मालूम है क्या होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा होता है, ठीक है। और साइन थ्री थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये देखो ये दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं लेकिन डायगनली सेम हो रहे होते हैं। जैसे 10th क्लास में आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे वहाँ डायगनली सेम होते थे, तो एक बार ऐड करते थे और एक बार क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन यहाँ पर कंजुगेट के साथ सेम होते हैं। अब बच्चों इस साइन स्क्वायर थीटा को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पहले तो मैंने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, ये कोस स्क्वायर थीटा आ गया है और इसको मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये आ गया भाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3, और ये कोस थीटा बाई 4 बाहर था, तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा बाई 4, ये आपको मालूम है किसके इक्वल होता है, कोस 3 थीटा बाई 4। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इस तरह इस रिजल्ट को आप फटाफट कर सकते हैं और जिसे आपने याद रखना है। अब बच्चों एक एप्लीकेशन भी ले लेते हैं, क्वेश्चन मैंने पहले ही दिया हुआ है आप लोगों को, और अब आप इस वीडियो को स्टॉप करेंगे और इसके बारे में सोचेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलो एक क्वेश्चन अलग से ले लेते हैं, कोस 10 डिग्री कोस 50 डिग्री और कोस 70 डिग्री और कोस 30 डिग्री, ठीक है। अब इन तीनों की जगह बच्चों ये आपको मालूम है ये किसके को लगता है, कोस 3 थीटा बाई 2, और थीटा क्या था आपका 10 डिग्री बाई 4, और कोस 30 की वैल्यू आपको मालूम है √3/2 होती है, √3/2 और 4 नीचे है तो 8 हो गया, तो √3/2, तो ये आंसर कितना आ गया 3/16। इस रिजल्ट को आप इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है और अभी आप कमेंट बॉक्स में आके फटाफट इस आंसर को लिखिए, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है और कौन सबसे पहले बताता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब बच्चों थर्ड के ऊपर आ जाते हैं, तो इसमें बच्चों आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये मल्टीप्लीकेशन में है कैसे है। तो अब यदि इन दोनों रिजल्ट्स को मैं आपस में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, डिवाइड। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, 10 थीटा। साइन पाई बाई 3 माइनस थीटा अपॉन कोस पाई बाई 3 माइनस थीटा क्या होगा, 10 पाई बाई 3 माइनस थीटा। साइन पाई बाई 3 प्लस थीटा अपॉन कोस पाई बाई 3 प्लस थीटा क्या होगा, 10 पाई बाई 3 प्लस थीटा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 10 3 थीटा। तो ये रिजल्ट भी फटाफट आ जाता है, लेकिन इसको हम अब किसी और वे से करके दिखाते हैं। टेन थीटा, इसको बच्चों आप इस तरह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताओ मुझे, टेन 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3 है, टेन ऑफ ए प्लस बी का हमने क्या किया बच्चों, फार्मूला लगा दिया, और इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों, √3 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस √3 टेन थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी मच क्लियर। तो ये आ गया बच्चों 10 थीटा
ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ये क्या आएगा, माइनस आएगा। और ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, प्रोडक्ट के अंदर हैं। कहीं बच्चे सोचते हैं शायद एलसीएम लेके ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो वो आप गलत सोचते हैं। तो अब आपको ये मालूम है a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपका थ्री टेन थीटा माइनस थ्री टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है बच्चों, टेन थ्री थीटा के इक्वल होता है। समझिए बच्चों, अब मैं आपको के लिए क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। अब आपके लिए क्वेश्चन है टेन टेन डिग्री, टेन फिफ्टी डिग्री, और टेन आपका सेवेंटी डिग्री इंटू टेन थर्टी डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए फटाफट क्या होगी। ठीक है, तो ये तो आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या होगा, टेन आपका थर्टी डिग्री हो गया इंटू टेन थर्टी, और टेन थर्टी की वैल्यू आपको मालूम है टेन स्क्वायर थर्टी होती है, और टेन थर्टी क्या होता है वन बाई रूट थ्री। तो ये सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई, वन बाई थ्री। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन यदि आप एसएससी का अपने प्रीवियस खोलेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और जो पिछला फैब में पेपर हुआ था तो उसमें बहुत सारी इस तरह की एप्लीकेशन पूछी गई थी, एमबीए और एनडीए में तो काफ़ी सारे पूछे ही जाते हैं, और इवन ये सीबीएसई की 11th क्लास के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जो इस क्वेश्चन के बिना बन सके, ये तो नेसेसरी है कि हर हालत में आएगा आएगा। तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो क्वेश्चन आपको दिया है वो आप सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, टेन ट्वेंटी डिग्री इंटू टेन आपका फोर्टी डिग्री इंटू टेन सेवेंटी आपका एट्टी डिग्री इंटू टेन सिक्सटी डिग्री, इसकी वैल्यू बताएंगे आप, और कोई ऑप्शन नहीं दे रखी आपने, फटाफट कमेंट बॉक्स में देखना है और बताना है कि किसने सबसे पहले सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम भी पब्लिश करेंगे किसने सबसे पहले सॉल्व किया। थैंक यू वेरी मच।